दुनिया के इतिहास में कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, जिनके बारे में जानकर रूह कांप जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर टू के दौरान लोगों को इस तरह मारा गया जिसे कभी भुलाया नहीं जाता सकता है। ऐसी ही दर्दनाक घटना एक रेलवे लाइन बनाने के दौरान हुई थी। इस रेलवे लाइन को बांधने की वजह से 1,20,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस रेलवे रूट को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 415 किलोमीटर है, जो थाईलैंड और बर्मा के रंगून को जोड़ती है। इस रूट पर पड़ने वाली क्वाई नदी पर बनाए गए डेविड लियान के ब्रिज की कहानी भी बेहद भयानक है। डेथ रेलवे की इसी खूनी कहानी के बारे में जानेंगे आज हम कीप बीइंग जिज्ञासु के इस एपिसोड में। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापानियों ने बर्मा में एक रेलवे लाइन का निर्माण कराया, जिसे डेथ रेलवे यानी मौत का रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। हजारों ब्रिटिश युद्धबंदियों और एशियाई नागरिक मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में इस रेलवे को बनाने के लिए मजबूर किया गया था। जापानियों ने बर्मा से थाईलैंड तक सेना और जरूरी सामग्री ले जाने के लिए इस रेलवे का निर्माण कराया था। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उन्हें मित्र देशों की सेनाओं को घेरने और उन्हें बर्मा से बाहर निकालने में मदद करता। मित्र राष्ट्र यानी एलीड पावर्स में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। वहीं दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर्स, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान अहम देश थे। 1941 में मलेशिया पर कब्जे के बाद जापान ने बर्मा पर ध्यान केंद्रित किया। बर्मा में तेल और भी कई प्राकृतिक संसाधन थे जो जापान चाहता था। बर्मा में ब्रिटिश सेना कमजोर थी, केवल 17वीं भारतीय इन्फेंट्री और पहली बर्मा डिवीजन मौजूद थी। बर्मा की राजधानी रंगून असुरक्षित थी। दिसंबर 1941 को जापानी सेना ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। जापानी सेना आगे बढ़ती रही और बर्मा पर कब्जा कर लिया। यह दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की एक बड़ी जीत थी। बर्मा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधन थे और यह चीन को आपूर्ति रोकने में मदद कर सकता था। वर्ल्ड वॉर टू में चीन अलाइड पावर्स के साथ था। इस जंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कवाई नदी पर बना हुआ ब्रिज। औपचारिक रूप से ब्रिज 277 के नाम से जाना जाने वाला ये पुल 1957 की फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई के बाद प्रसिद्ध हुआ। यह पुल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा रेलवे के हिस्से के रूप में बनाया गया था। पुल का निर्माण मित्र देशों के युद्धबंदियों से करवाया गया था, जिनमें से हजारों की मृत्यु हो गई थी। मित्र राष्ट्रों ने इस रेलवे लाइन को बाधित करने के लिए कई हवाई हमले किए। पुल को भारी नुकसान हुआ, लेकिन जापानी बंधुआ मजदूरों की सहायता से इसे जल्दी से ठीक करने में सफल रहे। रेलवे लाइन युद्ध के अंत तक काम करती रही। क्वाई नदी पर बना पुल चाहे आज एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक स्मारक है जिन्होंने इस निर्माण के दौरान अपनी जान गंवाई, और उन लोगों की ताकत का प्रतीक है जिन्होंने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। बर्मा रेलवे का एक और भयानक अध्याय भी है, नरकंकाल दर्रा, जिसे कोन्यू कटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्रा जो तेनासिरिम पहाड़ियों में स्थित है, पूरे रेलमार्ग में सबसे गहरी और सबसे लंबी कटिंग थी। लगभग 246 फीट लंबा और 82 फीट गहरा यह दर्रा अमानवीय श्रम और पीड़ा का प्रतीक बन गया। यहाँ कठोर मजदूरी, भोजन और दवाइयों की कमी और बीमारियों ने हजारों लोगों की जान ले ली। नरकंकाल दर्रा इन पीड़ितों की स्मृति में एक भयानक स्मारक बन गया है, जो बर्मा रेलवे की क्रूरता और युद्ध के विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाता है। कोन्यू कटिंग को हेलफायर पास नाम मिला क्योंकि इस पर काम करते समय कैदियों को भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। कहा जाता है कि काम करने की कठोर परिस्थितियों के अलावा काम पूरा करने में लगे 12 सप्ताह के दौरान लगभग 69 लोगों को उनके जापानी गार्डों ने हेलफायर पास में बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। हालांकि कई और लोग बीमारी से मर गए, लेकिन यह अनिश्चित है कि कोन्यू कटिंग पर काम करते समय कितने कैदी मारे गए।
हेलफायर पास की साइट युद्ध के बाद खो गई थी, लेकिन 1980 में फिर से पाई गई और 1990 से हर साल वहां मृतकों की याद में एक समारोह आयोजित किया जाता है। 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद मित्र देशों ने युद्ध अपराधों के लिए हजारों जापानी सैनिकों पर मुकदमा चलाया। इनमें बर्मा रेलवे के निर्माण में शामिल लोगों पर लगे आरोप भी शामिल थे। इन मुकदमों के एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कुल 2244 5700 लोगों पर चलाए गए, जिनमें से 984 लोगों को फांसी और 3419 लोगों को कारावास की सजा हुई और 1000 लोग बरी हुए। बर्मा रेलवे निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अत्याचारी युद्ध अपराधों में से एक था। इसने हजारों मित्र देशों के कैदियों और दक्षिण पूर्व एशियाई नागरिकों की जान ले ली और उन लोगों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा जो बच गए थे। लेकिन फिर भी इस घटना के बारे बहुत कम बात की जाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बर्मा रेलवे केवल एक उदाहरण है कि युद्ध के दौरान कैदियों और नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। लाखों लोग मारे गए थे और कई और लोग पीड़ित थे। हमें पीड़ितों को याद रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि ऐसा दोबारा कभी न हो।